पैसे तो बचेंगे लेकिन उससे कितना नुकसान होगा, कितनी जाने जाएगी। आई थिंक यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। जब टेंडर हमें मिल गया था तो कैंसिल कैसे हो सकता है? और ये ऑडिट रिपोर्ट, हमने जितने भी इंजीनियर्स के लाइसेंस जमा करवाए थे उनको ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टीम आई थी। अच्छा, फिर? फिर क्या, ऑडिट हो गया। लेकिन ये रिपोर्ट तो गलत है। ऑडिटर ने लिखा हुआ है कि इंजीनियर्स हमारे पास ऑन जॉब है ही नहीं और हमने उनके लाइसेंस लिए हुए। ये रिपोर्ट सही है। ये कैसे सही लिखा हुआ है? इंजीनियर्स हमारे पास इधर पेरोल पे है और हमारे पास ही साइट से जाके काम करते हैं वो। नहीं, एक्चुअली इट्स माय फॉल्ट। व्हाट? देखो, गवर्नमेंट ऑडिट साल में दो दफा होता है और एम्प्लॉइज को हम सारा साल पे करते हैं। मैंने सोचा उनके लाइसेंस ऑलरेडी हमारे पास है तो क्यों ना, यार देखो हम खामखा उनको पे करते हैं ना। मैंने उनसे बात कर ली थी सबसे कि हम उन्हें कुछ कमीशन दे देंगे और वो चाहे तो कहीं और जॉब कर सकते हैं। आई कांट बिलीव दिस कि तुम ऐसा सोच सकते हो। तो इसमें गलत क्या है? सब लोग कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसे ही करते हैं, हमने कर लिया तो क्या गलत हो गया? अस्सलाम वालेकुम जीशान साहब। जी जी, बिल्कुल जानती हूँ। इनफैक्ट बल्कि अभी पता चला है मुझे। या इट्स नॉट एक्चुअली हिज फॉल्ट। जी, वो जो दो एम्प्लॉयज थे उनको वापस भिजवा दें। ओके, डन। आई विल वेट। अल्लाह हाफिज़। क्या मतलब, तुम लोगों को वापस रख रही हो जॉब? एक्चुअली ये जगह है ही उनकी। उन इंजीनियर्स के बजाय अगर हम अनट्रेंड लोगों से काम करवाएंगे, पैसे तो बचेंगे लेकिन उससे कितना नुकसान होगा, कितनी जाने जाएगी। आई थिंक यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। साहब ज़्यादा क्या कर रहा है आजकल? फातिमा से जब पूछो तो उसकी तारीफों के पुल बांध देती है। ऑफिस के बारे में बात करूँ तो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेफिक्र रहें। यार जाके पता तो करो, खुदा न खास्ता कहीं कोई मसला ना हो जाए। सर मसले तो चलते ही रहते हैं लेकिन मिस फातिमा संभाल लेती हैं। अभी कल हम बाल बाल बच गए, गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर भी जाता और कंपनी को लीगल इश्यूज अलग से फेस करने पड़ते। खुल के बताओ, अमार साहब ने पिछले 3 माह से जिशान लोगों के साथ लाइसेंस की डील करके उन्हें जॉब से निकाल दिया था। ऑडिट कंपनी ने इंक्वायरी की और टेंडर कैंसिल करने का कह दिया। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी आ चुका है। लेकिन सर मसले का हल हो चुका है। मिस फातिमा ने इंजीनियर की मीटिंग भी कॉल कर ली है और पिछले 3 माह की सैलरीज के चेक भी बनवा लिए हैं और खुशाइन बात यह है कि वो मान भी गए हैं और कल से ऑफिस भी आ रहे हैं। और सर मुझे उम्मीद है कि ऑडिट टीम से मिलके वो इन्हें मुतमइन भी कर देंगे। देखिए फातिमा फैंग आज रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।